तो आज हम लोग आए महादेवपुरा। तो ये पूरा तत्व स्थान है, एक मंदिर है यहाँ पे शिव जी का। देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है नंदी की। इतनी बड़ी मूर्ति किसी भी मंदिर में नहीं होती है, पर इधर है। मतलब कि मेरे सामने मंदिर, तो मैं आपको दिखाता हूँ 300 ईयर ओल्ड मंदिर। आप पूरा मंदिर है पीछे देखिए, और ये जो भी है ईटे है वो पूरा तत्व के खोदने के बाद किसी ने भी मतलब इसको हिलाया नहीं है, क्योंकि पूरा तत्व स्थान है। ये देखिए पूरा मतलब बनावट किस तरीके का है मंदिर का। और यह बहुत बड़ा मंदिर होगा पुराने समय में, पर अब गाइस मेरा नाम है ब्रदर, आप देख रहे हैं मेरी ब्लॉगिंग चैनल द GG06 राइडर। तो आज हम लोग आए महादेवपुरा। तो ये पूरा तत्व स्थान है, एक मंदिर है यहाँ पे शिव जी का। तो चलिए अंदर जाते हैं और विजिट करते हैं महादेवपुरा के इस मंदिर को। तो चलिए अंदर चलते हैं, और ये पूरा पूरा तत्व मंदिर है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज अभी हम लोग मंदिर की तरफ इधर से चल रहे हैं। मतलब ये देखिए आप यहाँ पे ईंटें भी देख सकते हैं, पूरी पुरानी है। ये देखिए यहाँ की जो ईंटें की जो पहले से ही मतलब ये पूरा तत्व रोड बना हुआ है ना, वही है अभी तक। और ये हमारी गाड़ी तो हम यही लेके आए थे अभी, और अभी हम लोग इधर से मंदिर की तरफ चलते चलते जा रहे हैं। और ये पूरा ही मतलब इतना पुराना मंदिर है ना कि तब हम पैदा भी नहीं हो। ये 300 साल पुराना मंदिर है गाइस। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो चढ़ाया था अपने यूट्यूब पे, डाला हुआ है मैंने, तो वो भी 500 गलती से मैंने 500 ईयर्स ओल्ड लिख दिया था, पर ये पूरा 300 साल पुराना मंदिर है। और ये पूरा आप देखिए सामने जो नंदी की मूर्ति है ना, वो भी मतलब 300 साल से पुरानी है ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये इधर की है नंदी की मूर्ति है, वो भी मतलब 300 साल पुरानी है। ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है नंदी की। इतनी बड़ी मूर्ति किसी भी मंदिर में नहीं होती है, पर इधर है। मतलब कि आप ये देखिए, और इधर बौखड़े भी है बैठने के लिए। और मेरे सामने मंदिर, तो मैं आपको दिखाता हूँ 300 ईयर मंदिर है पीछे देखिए। और ये जो भी है ईंटें है वो पूरा तत्व के खोदने के बाद किसी ने भी मतलब इसको हिलाया नहीं है, क्योंकि पूरा तत्व स्थान है, उसकी हमें केयर करनी चाहिए। और इधर कोई आता जाता भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ भक्त लोग ही आते हैं जिनको पता है वो लोग, और कोई नहीं आता है। और आज हम और ललित भाई आ गए, पर इधर कोई आता नहीं है ऐसे। तो गाइज ये देखिए, ये पूरा मंदिर है, और ये इधर की ईंटें आप देख सकते हैं, जो मतलब ओल्ड ईंटें होती है ना, जो लोथल में भी ऐसे ईंटें मिली हुई है। और ये देखिए मंदिर, तो ये कुछ यहाँ का मंदिर है देखिए। और ये पग जो इसके मतलब पगथी है वो भी कितने ऊपर है देखिए, इधर से मतलब इधर तक है। तो ये मतलब पूरा तत्व का है, तो फिर ऐसा ही होगा ना। और इधर भी मतलब दो नंदी है, इस तरफ और इस तरफ, जो भी मतलब बहुत पुराने हैं। और एक छोटा सा नंदी इधर है, और आगे भी एक नंदी है। तो गाइज इस मंदिर में कुछ कितने नंदी में आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 नंदी है गाइज इसमें। तो मतलब आप लोग देख सकते हो, और ये पुराना बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है ये देखिए। और अंदर इसकी साल भी मेंशन करी हुई है, जो अंदर है, पर अंदर अंधेरा है, तो मैं आपको लाइट करके अभी दिखाता हूँ। हम लोग मंदिर में मतलब पूजा कर लिया है, और इस तरफ देखिए आप लोग, ये पूरा ही मतलब जो ओल्ड साइड है ना, वो आपको दिखाता हूँ पूरा, मतलब जो 300 साल पुराना जैसा था ना वैसा ही है अभी। और ये जो ईंटें है ना वो लोथल की है, मतलब कि लोथल में ऐसे ईंटें थे। ये देखिए पूरा मतलब बनावट किस तरीके का है मंदिर का। और ये बहुत बड़ा मंदिर होगा पुराने समय में, पर अभी मतलब छोटा सा ही होगा है, क्योंकि जो पहले के ज़माने में होगा बहुत बड़ा, पर अभी छोटा सा ही है। और ये देखिए पीछे मतलब इधर पानी भी हो सकता है, और रूम में भी कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है तब तक इधर से पानी ही जाता होगा, क्योंकि इतना इस तरीके से इसकी बनावट है, और ये नाली जैसी रचना है देखिए। इधर से मतलब पानी इधर जाता होगा, और बाद में इधर से जाके उधर पीछे नदी है उधर तक चला जाता होगा, ऐसा कुछ होगा इधर, तो ऐसा भी हो सकता है। और ये बहुत पुराना मंदिर है, मैंने आपको कहा इस तरीके से 300 साल पुराना मंदिर है ये, जो आप देख रहे हो अभी। और ये कलर बलर तो मतलब बाद में किया हुआ है, क्योंकि अभी जो हर साल महाशिवरात्रि होती है उसमें इस मंदिर को थोड़ा सा कलर बलर कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा नया भी हो जाए। तो इस तरीके से, और उस तरफ भी मतलब ऐसा बहुत कुछ है देखने लायक। उनको तो पता ही होगा कि महादेवपुरा का मंदिर कितना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि 64 साल पहले ही ये खोद के मिला हुआ है। पहले इधर कुछ भी नहीं था,
पर इसकी आप इधर देखिए, इसकी बनावट जो महादेव को पानी चढ़ाते हैं ना, वो इस वाले मुख से निकलता है और वो इस तरह कैसे नीचे चला जाता है, और उधर भी ऐसी आपको बनावट दिखेगी, ये देखिए। और इसकी चौफेर में मतलब ऐसा ही है सब कुछ, ये पूरा देखिए, ये पूरा ओल्ड है, तो इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत ही पुराना है। और इधर मतलब ये त्रिशूल जैसा कुछ पड़ा हुआ है, हम इधर की कुछ भी चीज़ों को छू नहीं रहे हैं, क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, और इधर की हमारे को इसका मतलब ध्यान रखना होता है, इसलिए। तो मैंने आज महादेवपुरा का महादेव मंदिर बताया जो 300 साल पुराना है, और आपको भी मतलब ऐसे ही इंटरेस्ट इन चीज़ों को जानने का रस है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही यूनिक और क्रिएटिव व्लॉग्स और ऐसे ही आपको जानकारी भरी बातें हम करते रहते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर देना, और अभी हम चलते हैं। और ये मंदिर 300 साल पुराना है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया, और आप लोग भी जिस मंदिर इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये ब्लॉग और लोगों तक पहुँचे और लोगों को इस मंदिर के बारे में पता चले, और वो इधर आके दर्शन भी कर पाए। मैं आपको इधर का पूरा एड्रेस अभी बता देता हूँ। तो ये एड्रेस पड़ता है वडोदरा जिला के वागोड़िया तालुका के गोरज गांव में। महादेवपुरा का लोकेशन आप डाल देंगे गूगल मैप पे तो वो आ जाएगा, और आप इधर भी आके दर्शन कर सकते हो अगर आप महादेव के भक्त हो तो। और ऐसे भी ये बहुत ही जानने लायक चीज़ है, क्योंकि यह 300 साल पुराना मंदिर है, और लोथल की संस्कृति से बिलोंग करता है, क्योंकि इधर की ईंटें और वो सब भी उस तरीके से है। मैंने इसकी बोर्ड की फ़ोटो ली है, अंदर जो मारा है वो, क्योंकि इधर अंधेरा है अभी तो मंदिर में, इसलिए मैंने फ्लैश चालू करके एक फ़ोटो खींचा है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। और पहले का मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है, वो मैं इसमें डाल दूंगा, इस वीडियो में क्लिप कर ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए चलते। और आप लोगों ने अभी तक हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे क्रिएटिव ब्लॉग्स आते रहते। तो चलिए चलते हैं।